हेलो फ्रेंड, दत्ति दर्शन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए बेड बना कर लाए हैं। देखिए ये कितना सुंदर है, और ये हमने बॉक्स वाला बनाया है ताकि हम जब बाज़ार से उनके कपड़े लाएं तो आराम से इसके अंदर हम इस तरह से देखें रख सकें, रखें और पैक करके बंद करके रखें। और इसके साथ में हमने इनका भी बनाया है, ये देखिए तकिया भी है, ताकि हम आराम से ये देखिए कान्हा जी को इधर सुला भी सकें। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने कैसे बनाया है। हमने ये डब्बा लिया है, बॉक्स वाला है, इसमें आप कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी का तकिया, ये सब रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो मिठाई के डब्बे भी आते हैं, उसको भी आप इस तरह से, उसमें भी आप बिना बॉक्स का कान्हा जी का बेड बना सकते हैं। तो बेड बनाने के लिए देखिए, हमने इस तरह की जो शर्टों के अंदर से स्पंज निकलती है, इस तरह हमने ये स्पंज ले ली है। आप चाहें तो रिम भी ले सकते हैं। ये हमने लगाने के लिए कपड़ा लिया है, ये हमने लेस ली है, और ये हमने यहाँ पे ग्लू ली है। ये देखिए, ये फैब्रिक्रिल ग्लू ली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और अंदर की साइड में हमने कपड़ा लगाने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। ये देखिए, हमको सिर्फ इसको कवर ही करना है। हम क्या करेंगे, पहले अंदर से कवर। देखिए, हमने साइड में लगाने को भी इसके साइज के गत्ते चार, ये बोर्ड हमने काट लिए हैं, दो इस साइड में और दोनों ही ये साइड में। अब पहले हम इनको गम लगा के कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम यहाँ पे चारों तरफ गम लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा कपड़ा है वो इसको चिपक जाए, और वो भी थोड़ा सा जो हमारी ये जो डब्बा है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ये देखिए, चारों तरफ हम इस तरह लगा लेंगे और इसको इस तरह हम अंदर की साइड में इसको फोल्ड करें। इस साइड भी हमने गम लगा दी है। इसको थोड़ा फेविक्लो है, इस ये थोड़ा सूखने में इसको टाइम लगता है। तो इसी तरह हम, आप देखेंगे ये चारों पट्टियां हम यहाँ बना लेंगे। इस तरह से हम इसको, आप अंदर पुट्ठा लगाना चाहें ये कार्टून तो लगा लीजिए, नहीं तो खाली इसी तरह सिर्फ कपड़ा लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से इसको हम यहाँ पे जो गैप है उसको हम अंदर कर देंगे और बाहर की साइड में हम इस तरह इसको लगा देंगे। इस तरह से इसको लगाएंगे, इसी तरह हम तीनों साइड वहाँ भी लगा देंगे। चलिए तीनों साइड लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने इस तरह से चारों पट्टियाँ तैयार कर ली। अब हम यहाँ पे गम लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ गम लगा देंगे अच्छे से, हम चारों तरफ गम लगा देंगे। और अब हम इसको भी ये साइड में इस तरह, ये देखिए, इस तरह इस साइड भी चिपका देंगे। इस तरह हम थोड़ी देर इसको सूखने को रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा तो चिपक जाए। देखिए, ये तो हो गया हमारा अंदर का तैयार हो गया। अब हम इसको इस तरह सूखने देंगे और नीचे भी हम ज़मीन पे भी यहाँ कपड़ा लगा देंगे, यहाँ भी। ठीक है फ्रेंड, हमारा अंदर का जो बॉक्स है वो तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले ऊपर का बैक
तैयार करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे जो शर्ट के अंदर से स्पंज निकलती है उसको ले लिया है। देखेंगे इसको भी हम पहले दो स्पंज को आपस में चिपका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हमारा जो कान्हा जी का बेड है वो थोड़ा सा मोटा हो। ये देखिए इस तरह इसको चिपका देते हैं और उस इसको अब चिपकने देते हैं। तब तक हम यहाँ पे गम लगा लेंगे। ये देखिए चारों तरफ अगर आपके पास गन है तो आप गन से भी इसको इस तरह कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में ये वाली शीट है तो ये भी रख सकते हैं। अगर ये वाली शीट आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर कॉटन भी रुई भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ये हो गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह कपड़ा रखेंगे और इसको भी इस तरह से हम चिपका देंगे। तो चलिए इसको भी हम चिपका देते हैं। अभी गीला है इसलिए खिसक रहा है। आप इसको सूखने दें। अब हम क्या करेंगे इसको इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। इस तरह सूखे। अगर आप किसी मिठाई के डब्बे में बना रहे हैं तो पूरा एक साथ में भी ले सकते हैं। हमारा खुलने वाला है ये बॉक्स इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग ऊपर और नीचे अलग अलग लगा रहे हैं। अब देखिए इसको हम सूखने देंगे इसलिए हम उल्टा कर लेते हैं। बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें काट देंगे। ये देखिए इस तरह हम दबा के इस तरह करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ भी कपड़ा लगाएंगे। हमने बड़ा कपड़ा काटा है ये देखिए इतना बड़ा कपड़ा काट लिया है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो दोनों साइड में आ जाए। इस तरह हम यहाँ पे इसको रखें। अब चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं और चाहें तो गम से भी लगा दें। देखिए इसको थोड़ा सूखने को टाइम लगेगा। देखिए फ्रेंड हमने ऊपर कपड़ा लगा दिया। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इनकी बेड का बैक बनाएंगे। ये देखिए ये भी हमने दो पीस लिए हैं। हम इस तरह दोनों को चिपका देंगे। जब तक ये सूखेगा तब तक हमारा जो बेड पे हमने कपड़ा लगाया है वो भी सूख जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम ये भी दो पीस जोड़ के थोड़ा सा मोटा बना दिए हैं और इसी के साइज़ का हमने यहाँ पे देखेंगे कपड़ा लिया है। पहले हम इसको ये हमने गत्ता लिया इसी के साइज़ का और इस पर रख के हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। इसको भी इसके ऊपर इसी तरह रख देंगे और इसको भी हम चिपका देंगे। तो चलिए इसको भी हम रख के थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ वजन डाल के इसको भी हम चिपकने देते हैं सूखने देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए फ्रेंड हमने ग्लू यहाँ लगा दी लेकिन कई बार क्या होता है कई कई जगह पे ग्लू पकड़ती नहीं है। ये देखिए यहाँ उसको पकड़ा नहीं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह अंदर अंदर से टांका लगा देंगे।
ये देखिए यहाँ भी नहीं पकड़ी है, तो अभी हम अंदर से धागे से इसको सिलाई कर देंगे। सेम कलर का धागा लेंगे और अंदर अंदर से इसकी सिलाई करेंगे, ताकि हमारा जो बाहर का बेड का बेस है ताकि तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से इसको सिलाई कर रही है। देखिए बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं, गम जो है पकड़ नहीं रही है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, ताकि अगर ग्लू सूख जाएगी तो पकड़ भी लेगी। तो हम यहाँ पे बेड सुई धागे से ही सिलाई कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अंदर अंदर से सिलाई कर देंगे। और कई बार क्या होता है, सब ग्लू घर में नहीं होती हैं, तो भी ये सिलाई से आप आसान आराम से इसको सिलाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बनाने के लिए गन है तब तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या, हमारे पास की गन तो थी लेकिन वो ख़राब हो गई। इसके लिए ये जो ग्लू है फेविक्रिल वो पकड़ नहीं रही है। इस तरह से हम इसी तरह ये देखिए हमने तो दिखाया था लगा के, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी इसी तरह टाइट करके सिलाई कर लेंगे, रखेंगे और यहाँ इस तरह से अच्छे से इसको अंदर करेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, दोनों साइड से हम टाइट रखेंगे। एक्चुअली हमारे हाथ को भी ग्लू लगी हुई है तो उसको चिपक जाता है, लेकिन डब्बे को नहीं पकड़ा जाता। हम इस तरह से सिलाई करेंगे, इसमें हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है। अभी तक हमारा ये जो ग्लू है वो सूखा नहीं है, इसको हम अच्छे से इस तरह टाइट करें। अब हम यहाँ पे भी इस तरह फोल्ड करके यहाँ भी हम टांका लगा, तो यहाँ भी टांका लगा के फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह अंदर
यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ से इनका कपड़ा जो है बेड का लगा दिया। अब हम इनकी बैक बनाएंगे। देखिए ये बैक हमने स्पंज लगा के तैयार कर ली, और इसकी बैक के कवर चढ़ाने के लिए हमने यहाँ तीन साइड में साइज़ की सिलाई लगाई। अब हम इसको इस तरह सीधा कर लेंगे। इस तरह ये हमारा कवर हो गया। अब हम इसके अंदर इसको गम हमने लगाई थी इसके अंदर इसकी डाल ये बैग बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप सिलाई लगाएं और उसके ऊपर इस तरह कवर चढ़ा दें। उससे क्या है कि फिटिंग वाली अच्छी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह ये हमारी देखेंगे बैग तैयार हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे रख के देखिए गम जल्दी पकड़ नहीं रही है, इसके लिए हमने अभी तक ये सूखी नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह लगा के इसको गम से लगाएंगे, चाहे हम टांका लगा देंगे। ये देखिए इस यहाँ भी लगा देंगे ताकि ये भी चिपक जाए। पता नहीं क्यों ये कपड़ा सिलक का है इसलिए नहीं इसको पकड़ रहा। ये देखिए इसको हम अब इस तरह यहाँ चिपका देंगे। देखें इस तरह से ये हमारा जो बेड की बैग है इसको हम इस तरह रख के इस तरह चिपकाएं। इसको थोड़ा चिपकने में टाइम लगेगा। ये देखिए चलिए चिपक जाए, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर बाई चांस नहीं चिपके तो हम यहाँ पे इसको इस तरह रख के यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए अभी हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड अंदर की तरफ करके इसको इस तरह रख के हम यहाँ से सिलाई से सुई से इसको पक्का कर देंगे। हम सुई से आपको इसको सिल के फिर दिखाते हैं कि सिलने के बाद कैसे ये कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह अंदर करके हम इस तरह इसको साथ में रख के इस तरह हम इसको सिलेंगे। तो चलिए सिल के दिखाते हैं आपको। इस तरह ये हम इसको अभी इस तरह रख देंगे कि गम से ये चिपक जाए। चलिए इसको इस तरह रख के थोड़ी देर रखते हैं। अगर गम से नहीं चिपका तो हम यहाँ भी टांका लगा देंगे।
देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा बैटर कान्हा जी का तैयार हो गया। अब हम इसके चारों तरफ लेस लगाएंगे। तो देखिए, लेस के लिए हमने ये वाली वाइट लेस ली है इनके लिए लगाने को। तो चलिए, यहाँ पे अभी हम चारों तरफ देखिए ये वाली लेस इस तरह से चारों तरफ हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए, लेस लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह लगाएंगे, इसको इस तरह रखेंगे और इस तरह इसके ऊपर लेस लगाते हैं। इस तरह हम इसके ऊपर लेस लगा देंगे। इस तरह हम चारों तरफ लेस लगा देंगे। चलिए, लेस चारों तरफ लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ से अच्छे से सिल के गम लगा के इनको इनका बैट तैयार कर दिया और हमने यहाँ लेस भी लगा दी है। देखेंगे, चारों तरफ हमने लेस लगा दी और पीछे साइड में भी लेस लगा दी उनकी बैक पर। और यहाँ पे अभी हम देखें, इसको खोलिए, इसके अंदर आप कान्हा जी की ड्रेस कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो अभी हम इनका तकिया बनाएंगे। देखिए, तकिए के लिए हमने ऐसे छोटा सा कपड़ा ले लिया और सुई धागे से ही हम हाथ से इसको बनाएंगे। आप चाहें तो मशीन से बना लें और चाहे तो हाथ से बुला लें। अब हम दो साइड में यहाँ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह थोड़ा बीच बीच में पक्का भी करते जाएंगे कि हमारा जो धागा है वो खींचने से निकले नहीं। इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको हम अच्छे से पॉइंट निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे थोड़ी सी, ताकि हमारा जो तकिया है वो देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी रुई भर देंगे कि हमारे कान्हा जी का तकिया अच्छे से बन गया। इसके अंदर अभी हम कॉटन अच्छे से भर देंगे।
इस तरह थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। इस तरह ये का छोटा सा तकिया तैयार हो गया। यहाँ से हम इस तरह अंदर करेंगे, दोनों साइड से इसे अंदर करके इसकी यहाँ से हम मिला के सिलाई करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह हम चारों तरफ अभी हम क्या करेंगे, इस तरह इनका तकिया तैयार। अब हम इसके तकिए के ऊपर भी लेस लगा देंगे। इस तरह अब हम यहाँ से हम यहाँ से हम इस तरह इनके तकिए के ऊपर यहाँ से लेस लगाएंगे। बैक स्टिच देके लेस लगाएंगे ताकि हमारी लेस खुले नहीं। इस तरह इनका हम किनारा बनाएंगे। यहाँ भी इस तरह किनारा बनाएंगे।
इवन हमने यहाँ पे बेड तैयार पूरा कर दिया है, लेस वगैरह लगा के सजा दिया है, और ये हमने उनका देखिए छोटा सा तकिया भी बना दिया है। अब हम इस तरह से उनको इस तरह से कान्हा जी को सला देंगे और बड़े आराम से सो जाएंगे। खुला बेड है, बड़ा है, उनको कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होगी। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये बनाया हुआ बेड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए आज हम कान्हा जी के लिए ये बेड बना कर लाए हैं।